व्यूर्स दुबई में जॉब हासिल करने के लिए वहां का पे पैकेज और अकोमोडेशन और इसके अलावा वहां पे क्या क्या साथ में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी तमाम डिटेल देखने के लिए इस वीडियो को फुल देखिए और दुबई में जॉब हासिल करने का चांस लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ की ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं और अभी रिसेंटली दिसंबर में अनाउंस हुई हैं दो तक इनका जो है वो आगाज़ होगा और दो में जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाइंग का प्रोसेस भी बहुत आसान है अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी तमाम डिटेल में आपको इस बताती हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं उम्मीद करते हैं कि आप खैर होंगे अल आपको हज़ारों खुशियां और कामयाबियाँ अता करें करियर एट लीवा लीवा ये इंटरनेशनल लेवल का एक एजुकेशनल स्कूल है यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज है आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली दिसंबर बाईस दो हज़ार तेईस को जो अनाउंस हुई है टीचर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर इसके बाद जी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ये दिसंबर 22 2023 को अनाउंस हुई है और नर्सरी सुपरवाइज़र ये भी 22 दिसंबर 2023 को अनाउंस हुई है सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर ये दिसंबर 22 2023 को आईटी टेक्नीशियन डीवा इंटरनेशनल स्कूल फलाज हज़ा सोल इसमें ये दिसंबर 15 2023 को जो है अनाउंस हुई है और यहाँ पे इस्लामिक बी टीचर दिसंबर पंद्रह दो तेईस को ही अनाउंस हुई है और इसके अलावा व्यूर्स यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स सेकंड पेज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और कौन सी क्वेंसी मैथ टीचर ये चौदह दिसंबर दो हज़ार तेईस को अनाउंस हुई है के जी टीचर सताइस नवंबर दो हजार तेईस आई सी टी टीचर दस नवंबर दो हजार तेईस आर्ट टीचर और यहाँ पे अगर आप अप्लाइंग प्रोसेस की तरफ हम मूव करते हैं लेकिन इससे पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि अगर ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे आप प्रीवियस पेज की तरफ आते हैं करियर्स एट लिवा में ये यह देखें यहाँ पे इसका जो साइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया वहाँ से ले लीजिएगा और वहाँ पे आप डायरेक्ट इसकी साइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं व्यूज़ इस तरह की जो पोस्ट होती हैं इसके लिए आपको एक अच्छी सी सी वी और कवर लेटर की जरूरत होती है जो कि प्रोफेशनल लेवल का हो और उसमें आपकी तमाम एक्सपीरियंस और स्किल्स जो है वो डिफाइंड हो ताकि आप इजीली जो है सिलेक्शन में आ सकें यहाँ पे टीचर असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आप व्यू के पे क्लिक करेंगे ये तमाम जो इसकी डिटेल है तमाम की तमाम यहाँ पे आ गई है किसी भी आप पोस्ट को देखना चाहते हैं उसके लिए आपने उस पर क्लिक करके उसकी जॉब डिटेल्स को रीड आउट कर लें नर्सरी सुपरवाइजर असिस्टेंट के लिए स्कूल है जी लीवा एजुकेशन डिस्क्रिप्शन में वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस्ड टीचर्स इन ई एजुकेशन एंड एबल टू तो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस विद इन एंड अर्ली एजुकेशन और इसमें क्वालिफिकेशन देखिए जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट अटेस्टेड आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो कि आपका एक्सपीरियंस आपने जो है वो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं कम्बाइंड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन फॉर एट लीस्ट टू ईयर्स और विद एन ई सी ई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ नॉट लेस दैन हंड्रेड ट्रेनिंग्स ऑर्स हंड्रेड ट्रेनिंग ऑर्स आपके कम्प्लीट होने चाहिए इसमें सर्टिफाइड वोकेशनल सर्टिफिकेट इन ई सी सी ई एंड एजुकेशन लेवल टू मिनिमम टू ईयर्स एक्सपीरियंस हैं इन अ सिमिलर पोजिशन विद इन अर्ली ईयर्स सेटिंग यहाँ पर व्यूर्स आपको इंग्लिश में प्रोफिशेंसी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में जो है ये प्रेफर किया जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो आपकी और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाव पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैथ टीचर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए पोस्ट हैं तो आप उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ हम देखते हैं कि इसमें क्या आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन में ये आ गया है इसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल और लेसिंग बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय स्पोर्ट्स सर्विसज़ क्वालिफिकेशन बैचुलर डिग्री नॉर्मली जो 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 भी फ़ॉन और गल्फ कंट्रीज़ की जो जॉब्स होती हैं इसमें बचुलर डिग्री ही मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसके बाद अगर आपका मास्टर्स है या आपका एम फिल पी एच डी है तो उनको प्रेफर किया जाता है लेकिन साथ में आपकी फ्लुन्सी इन इंग्गल जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये फ़र्स्ट लैंग्वेज मदर लैंग्वेज या किसी भी लेवल पर इंग्लिश को आपको इसमें पढ़ाना पड़े तो आप ईजीली इसमें, तो इसमें पढ़ा सकते हैं मैथ भी बेसिक साइंसिस और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं और तमाम टॉपिक्स इजीली आप इसमें पढ़ा सकें एटलीस्ट फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर जॉब विद स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ यू ए लेबर लॉज इज़ असेंशियल फ्लूंसी इन इंग्लिश और अरेबिक कंप्यूटर लिटरल विद नॉलेज ऑफ वर्किंग विद एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस का जो नॉलेज है इसमें आ, इसमें ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए जो कि है पब्लिक रिलेशनस ऑफिसर उसके बाद व्यर्स यहाँ पे है सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर ये भी बाईस दिसंबर को अनाउंस हुई हैं और इसके लिए भी कुछ स्किल्स और जो है वो प्रोफिशंसीज रिक्वायर्ड हैं और जो एजुकेशन है वो हम देख लेते हैं कि इसमें बैचलर डिग्री इन डिज़ाइन विचुअल आर्ट एंड और अ रेलिवेंट फील्ड अरेबिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इज़ एन एडवांटेज इसमें अरेबिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को मांगा गया है एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ थ्री ईयर्स ऑफ सॉलिड एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर रोल प्रेफरेबली विद इन द एजुकेशन सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में मिनिमम थ्री इयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है आई टी टेक्नीशियन पंद्रह दिसंबर दो हज़ार तेईस को अनाउंस हुई है और इसकी जो डेट है वो दो हज़ार चौबीस तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका तमाम डिटेल आई टी टेक्नीशियन के लिए लिवा इंटरनेशनल स्कूल प्लस हज़ार सोल शिप एल एल सी बैचुलर डिग्री जी क्वालिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस आर मिनिमम थ्री ईयर्स ऑफ सॉलीडाइटी एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन एजुकेशनल सेक्टर्स और अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तमाम ये जॉब्स जो हैं इनकी आप डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा और अब हम चूँकि अगर वन बाई वन देखते हैं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी तो हम अप्लाइंग के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ आपने व्यू पे जाने के बाद अप्लाई नाउ इस पर क्लिक करेंगे ठीक है अप्लाई नाव पे क्लिक करने के बाद आपके पास जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म खुलेगा अप्लाइंग पोजीशन यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी पोजीशन आप आईटी टी टेक्नीशियन के लिए या आप जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिर इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिस्टर मिसिज और जो भी आप मिस लिखना चाहें फर्स्ट नेम आपका लास्ट नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ नेशनैलिटी मेरिटल स्टेटस रिक्वायर्ड वीज़ा फॉर द यू आपको अगर वीज़ा रिक्वायर्ड है येस और नो आप नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट और जितने जो है डिपेंडेंट्स उसके नंबर यहाँ पे लिखेंगे ईमेल एड्रेस अपना फ़ोन नंबर लैंडलाइन नंबर एड्रेस डिटेल में एड्रेस सिटी अपना अपना कंट्री यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ठीक है कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स आपकी आ जाती है इस फॉर्म में आप यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन टाइटल क्वालिफिकेशन नेम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट डेट एंड डेट ठीक है ये देखिए जी और एंड डेट जो है वो यहाँ पे आपके सामने आप यहाँ पे पुट करेंगे कि जो आप उधर डिस्क्रिप्शन से कम्प्लीटली इसको देख लीजिएगा कि कब ये डेट अनाउंस हुई है इसकी एंड डेट कब तक है और इसके बाद क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन नेम यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट और एंड डेट आपकी क्वालिफिकेशन का यहाँ से आप बताएंगे कि आपने कब डिग्री को स्टार्ट किया और कब ने आपने इसको एंड किया और यानी कि एंड डेट आपकी कंप्लीशन ऑफ डिग्री आ जाएगी तो यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे और ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती जाएगी एक्सपीरियंस में आप इसी तरह जॉब टाइटल एम्प्लॉयर नेम सिटी कंट्री स्टार्ट डेट और एंड डेट कि कब आपने जॉब शुरू की और का अब भी अगर आप कंटिन्यू हैं आपकी जॉब तो आप यहाँ पे टिल नाउ करके जो है ये कर देंगे और एक्सपेक्टेड सैलरी आप बताएंगे अपनी यहाँ पे जो यूएई के है कि यहाँ पे जो इनका धरम में पे है वो अमूमन दस लाख से ऊपर ही होती है टीचर्स की मिनिमम तो आप इसमें ये अपनी जो है वो धरम में इसको काउंट करके बताएंगे लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में लैंग्वेज आपने बतानी है प्रोफिशेंसी लेवल आपका कौन सा है और इसको ऐड करते जाइए ठीक है और इसके बाद डिक्लेरेशन आपके पास आ जाती है डिक्लेरेशन के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जिसमें आपकी सीवी और कवर लेटर आपने अच्छा सा बना के पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आ करने के बाद और सबमिट पे क्लिक करेंगे ठीक है और इसके अलावा भी तमाम जो इन्फॉर्मेशन हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की हैं कॉन्टेक्ट करने से रिलेटेड और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप इससे मुतल कोई भी इन्फॉमेसन पूछना चाहते हैं अपनी राय का जहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा आई थिंक दिस विल भी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू थैंक यू फॉर वॉचिंग